हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग द सन ऑल्सो राइजेस, जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की काफ़ी फेमस नॉवेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में होगा। वीडियो के थ्रू अगर आपका हेल्प होता है, वीडियो आपके सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। द सन ऑल्सो राइजेस इज फर्स्ट नॉवल। द सन ऑल्सो राइजेस जो है फर्स्ट नॉवल है, रिटन बाय ए ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट, जिसको कि एक महान अमेरिकन नॉवलिस्ट के द्वारा लिखा गया है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे उनका नाम है। इट वॉज पब्लिश इन 1926, इसको 1926 में पब्लिश करवाया गया था। और द नॉवल इज अबाउट ब्रिटिश एंड अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स, ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सपेट्रिएट्स के बारे में, मतलब प्रवासियों के बारे में। प्रवासी क्या होता है ना, ये पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो अपने कंट्री को छोड़ के कहीं और रहने चला गया है, तो उसको एक्सपेट्रिएट्स कहते हैं। हु ट्रेवल फ्रॉम पेरिस, जो कि ट्रेवल करता है फ्रॉम पेरिस से टू द फेस्टिवल ऑफ सैन फेमिन इन पैम्पलोना। सैन फेमिन के फेस्टिवल के लिए कहाँ जाता है? पैम्पलोना जाता है। टू वॉच द रनिंग ऑफ द बुल्स, बुल्स का रनिंग देखने के लिए, दौड़ देखने के लिए। एंड द बुल फाइट, और बुल फाइट देखने के लिए। फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट। इस बुक का जो फर्स्ट एडिशन है वो यूनाइटेड स्टेट में पब्लिश किया गया बाय स्क्रिबनर्स के द्वारा। ए ईयर लेटर, उसके बाद एक साल बाद, जोनाथन कैप पब्लिश द नॉवेल इन लंदन। उसके बाद जोनाथन कैप इस नॉवेल को कहाँ पब्लिश किए? लंदन में, अंडर द टाइटल फेस्ट। उस टाइम इस नॉवेल का टाइटल फेस्ट रखा गया। द कैरेक्टर आर बेस्ड ऑन रियल पीपुल, कैरेक्टर जो है रियल पीपुल पे बेस्ड रहा। इन हेमिंग्वेज सर्कल, जो कि हेमिंग्वेज के सर्कल में आता है, इट मीन्स उसके अराउंड, उनके चारों ओर आते हैं। एंड द एक्शन इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट, और जो भी एक्शन यूज किया गया वो भी रियल घटनाएं हैं, ठीक है। हेमिंग्वेज बायोग्राफर, हेमिंग्वे के जो बायोग्राफर हैं जेफरी मेयर्स, वो कहते हैं राइट्स दैट इट इज नाउ, उनके मतलब इस नॉवेल के बारे में कहते हैं कि ग्रेट रिकॉग्नाइज्ड एज हेमिंग्वेज ग्रेटेस्ट वर्क, हेमिंग्वे के ग्रेटेस्ट वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है द सन ऑल्सो राइजेस। एक और है काफी फेमस नॉवेल हेमिंग्वेज का, हेमिंग्वे का, वो कौन सा है? द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसका कि हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। फिर आगे है द ऑथर ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के जो ऑथर है अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज एन आइकॉनिक अमेरिकन जर्नलिस्ट, एक महान प्रतिष्ठित अमेरिकन जर्नलिस्ट थे एंड ऑथर भी थे। नोन फॉर हिज ब्रीफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते थे, मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से, तो उसी के लिए मेनली जाने जाते थे। ही पार्टिसिपेटेड इन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 में भी पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में। अंटिल ही वॉज इंजर्ड, जब तक वो इंजर्ड ना हो गए। देन अगेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी वो पार्टिसिपेट किए थे। एमंग हिज लिटरेरी करियर, अपने लिटरेरी करियर के में ही पब्लिश 7 नॉवेल्स, 6 शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शंस, 6 मतलब शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन पब्लिश किए, 7 नॉवेल्स पब्लिश किए एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क पब्लिश। 3 ऑफ हिज नॉवेल्स का जो 3 नॉवेल है, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, 4 शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शंस वेयर एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क, और 2 नॉन फिक्शन वर्क वे आर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली, मतलब उनके मरने के बाद इसको पब्लिश करवाया गया। हेमिंग्वे प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स बिटवीन द मिड 1920s, जो बीच का जो 1920 से लेके एंड द मिड 1950s तक वर्क पब्लिश करवाया गया। ए फेयरवेल टू आर्म, ए फेयरवेल टू आर्म, फॉर हुम द बेल टोल्स एंड द ओल्ड मैन एंड द शी आर हिज वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स। ये सब जो है उनका काफ़ी वर्ल्ड फेमस नॉवेल्स था। अब आगे है हेमिंग्वे वोन बोथ प्राइजेस, मतलब दोनों प्राइज मिला हेमिंग्वे को। फॉर द ओल्ड मैन एंड द शी द पुलिट्जर प्राइज इन 1953, ओल्ड मैन एंड द शी के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला 1953 में, एंड द नोबेल प्राइज इन 1954, और नोबेल प्राइज मिला 1954 में। देयर आर सेवरल थीम्स ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का ढेर सारा थीम्स है, मतलब जिस विषय पे लिखा गया तो ढेर सारा विषय द सन ऑल्सो राइजेस नॉवेल का। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसको मेंशन किए हुए हैं। द लॉस्ट जनरेशन, वुमेन एंड लव, masculinity and gender, sexuality and bullfight, nature and insecurity. फिर आगे है the novel start with जैक बर्नेस, जैक बर्नेस नॉवल स्टार्ट होती है डिलीवरिंग ए ब्रीफ बायोग्राफिकल स्केच, जो कि अपने मतलब अपने फ्रेंड के बारे में बता रहा है। ऑफिस फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड का एक बायोग्राफिकल स्केच बता रहा है कि उसका फ्रेंड कैसा है, रॉबर्ट कॉन के बारे में। जैक इज ए वेटरन ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 में का मतलब सैनिक रह चुका है जैक। who now works as a journalist in Paris. लेकिन अब वो क्या कर रहा है, पेरिस में एक जर्नलिस्ट के रूप में काम कर रहा है. रॉबर्ट कॉन इज ए जोइस राइटर, रॉबर्ट कॉन एक जोइस राइटर है who has recently published a novel, जो कि रिसेंटली एक नॉवल पब्लिश किया हुआ है. एंड वॉज ए मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन, और एक मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन है इन कॉलेज एट प्रिंसटन नाम के कॉलेज में मिडिल वेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है. कॉन लिव्स विथ ए वुमेन नेम्ड फ्रांसिस क्लेन, फ्रांसिस क्लेन नाम की एक वुमेन के साथ कॉन रहता है हु वॉज ओरिजिनली यूजिंग हिम फॉर हिज मनी, जो कि ओरिजिनली उसको यूज किस चीज के लिए कर रही है, उसके पैसे के लिए. बट नाउ सी इज ओल्डर, लेकिन वह क्या हो रहा है, उसका धीरे धीरे एज हो रहा है. वॉन्ट्स टू मेक हिम मैरी हर, और चाहती है कि मतलब जो ये जैक कॉन, ये जो कॉन है वो उससे शादी कर ले. After reading a book that romanticizes travel, जो कि ट्रैवल के बारे में अच्छा अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ था, वो बुक पढ़ने के बाद कॉन हैज कम टू कंक्लूजन, कॉन एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पे आता है दैट ही इज वेस्टिंग हिज लाइफ, कि क्या कर रहा है वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है. एंड वन डे ही विजिट्स जैक, और एक दिन वह किसके पास जाता है, कॉन जैक के पास जाता है एट हिज ऑफिस, उसके ऑफिस जाता है, टू आस्क हिम टू टेक ए ट्रिप विथ हिम टू साउथ अफ्रीका, उसे पूछने के लिए कि मतलब साउथ अफ्रीका के ट्रिप पे चलोगे. बट जैक रिफ्यूजेस, जैक क्या कर देता है, मना कर देता है. दैट नाइट, उसी रात, वाइल आउट विथ कॉन एंड अदर्स, वाइल जैक जो होता है, जैक बाहर जाता है, तो वाइल जैक आउट विथ कॉन एंड अदर्स, कॉन और दूसरे फ्रेंड के साथ बाहर गया हो रहता है, जैक मिट्स विथ लेडी ब्रेट, जैक किससे मिलता है, लेडी ब्रेट से मिलता है. ब्रेट इज एन इंडिपेंडेंट वुमेन, ब्रेट एक इंडिपेंडेंट वुमेन है एंड वाइफ ऑफ एन इंग्लिश लॉर्ड, एक इंग्लिश लॉर्ड की वाइफ है. सी वॉज ए वॉलंटियर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, हेल्प्ड टू ट्रीट हर, वो भी एक वॉलंटियर थी, वो एक मतलब जो खुद से मतलब खुद की मर्जी से काम करने जाते हैं, तो वो वॉलंटियर थी वार की, टू ट्रीट जैक फॉर ए वॉर उंड, वो भी मतलब जैक की हेल्प करती है एक वॉर से, उसको जख्म जो हो गया था उसमें ट्रीट करने में. ही रिसीव्ड, जो कि उसको वॉर में मिला था, युद्ध में. वाइल शी वाज ट्रीटिंग हिम, जब वो उसका ट्रीट कर रही थी मतलब इलाज कर रही थी, फॉल इन लव विथ हर, लेकिन उसके साथ उस क्या होता है, प्यार हो जाता है. किसको, ब्रेट को जैक के साथ. ब्रेट कन्फेस टू जैक दैट सी स्टिल लव्स हिम, ब्रेट अभी जो मिली है उसको अभी भी बताती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, जस्ट एज ही लव्स हर, जैसे कि वह पहले उससे करता था. इट इज सबटली इम्प्लाइड दैट जैक इंजुरी रेंडर हिम इम्पोर्टेंट, जैक इससे क्या मतलब ये लोग का प्यार क्यों कंटिन्यू नहीं रह पाया, क्योंकि जो इसको जख्म हुआ था ना मतलब वर्ल्ड वॉर के टाइम, उस वजह से ये क्या हो गया, इंजरी की वजह से इम्पोर्टेंट हो गया, यानी नपुंसक हो गया. अल्दाओ, हालांकि ब्रेट लव्स जैक, जैक मतलब प्यार, ब्रेट प्यार करती है जैक से. सी हिंट्स दैट, सी वो उसको हिंट्स देती है, सी इज अनविलिंग टू गिव अप सेक्स, कि वो सेक्स को छोड़ नहीं सकती और यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो गया है, नपुंसक हो गया है. एंड दैट फॉर दिस रीजन, और यही कारण है कि सी विल नॉट कमिट टू रिलेशनशिप विथ हिम, कि वह उसके साथ रिलेशनशिप भी नहीं रख सकती है, मतलब प्यार करती है बट नहीं रख सकती रिलेशनशिप, कुछ मजबूरियाँ हैं उसकी टू रिलेशनशिप विद हिम. They make plan to meet each other the next afternoon, वे लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग नेक्स्ट आफ्टरनून मिलेंगे, अगले दिन दोपहर में. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब अगले दिन सुबह की बात है. जैक एंड कॉन हैव ब्रेकफास्ट, ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे. कॉन ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग ब्रेड, अब ये जो कॉन है वो भी ब्रेड को पसंद करने लगा है. एंड ही गेट्स एंग्री, और वह गुस्सा हो जाता है. वैन जैक टेल्स हिम, जब उसको जैक बताता है दैट ब्रेड प्लान्स टू मैरी ए स्कॉटिश वॉर वेटरन नेम्ड माइक कैम्बेल, कि माइक कैम्बेल से ब्रेट शादी कर रही है, जो कि एक वॉर का वेटरन था, उसे कर रही है. अब आगे, आफ्टर सम टाइम लेटर, अब कुछ समय बाद, ब्रेट अराइव्स, ब्रेट पहुंचती है. एंड टेल जैक, जैक को बताती है दैट इट्स टू हार्ड फॉर देम, कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू बी नियर इच अदर, कि एक दूसरे के थोड़ा मतलब आसपास रहना. एंड दैट सी इज लिविंग द नेक्स्ट डे टू गो टू सैन सेबेस्टियन, और यही कारण है कि वो क्या कर रही है, नेक्स्ट डे जा रही है, कहाँ जा रही है, सैन सेबेस्टियन के लिए जा रही है. ए बीच टाउन इन स्पेन, एक स्पेन का बीच टाउन है, जो मतलब बीच यानी समुद्र तट के किनारे वाला एरिया है. कॉन ऑल्सो लिव्स पेरिस, कॉन भी अभी मतलब पेरिस छोड़ के गया हुआ था. अराउंड दिस टाइम टू स्पेंड टाइम आउट इन द कंट्री, मतलब इसी टाइम के लगभग कि वो इस कंट्री से बाहर कुछ टाइम स्पेंड करेगा, तो वही घूमने के लिए ये भी गया हुआ था. ए फ्यू वीक्स लेटर, अब कुछ सप्ताह बाद, ए राइटर एंड आर्मी फ्रेंड, एक लेखक और आर्मी फ्रेंड ऑफ जैक, जैक का नेम्ड बिल गॉर्टन, जिसका नाम है बिल गॉर्टन, अराइव्स, वो पहुंचता है. दे प्लान टू गो फिशिंग, वे लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग फिशिंग के लिए जाएंगे इन स्पेन, स्पेन में. देन टू गो द फेस्टे, एक फेस्ट है, एक पर्व होता है, उसके लिए जाएंगे. एंड बुल फाइट्स इन द पैम्पलोना, पैम्पलोना में जो बुल फाइट होता है वो सब देखने जाएंगे, ये लोग प्लान बना रहे हैं. एंड टू ज्वाइन अप विथ कौन, ये योजना बनाते हैं कि आगे चल के वो लोग किसको ज्वाइन करेंगे, कौन को ज्वाइन करेंगे, कौन जो उनका फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी बाहर है, अलॉन्ग द वे, रास्ते में. दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर, जैक मीट्स विथ ब्रेड. जैक किससे मिलता है, ब्रेड से मिलता है. हु हैज रिटर्न फ्रॉम सैन सेबेस्टियन, जो कि वापस आ चुकी है सैन सेबेस्टियन से. एंड इज विथ हर फियांशी माइक, और वो अपने फियांशी माइक के साथ है. माइक एंड ब्रेड ऑल्सो वॉन्ट्स टू कम टू पैम्पलोना, माइक और ब्रेड भी अब पैम्पलोना जाना चाह रहे हैं. ब्रेड प्राइवेटली आस्क जैक, प्राइवेटली यानी चुपके से बताती है जैक को, इफ कौन इज ऑल्सो इज कमिंग, क्या कि कौन भी आ रहा है उसके साथ. रिवीलिंग दैट, यह बताते हुए, सी वॉज एक्चुअली विथ कौन इन सैन सेबेस्टियन, कि सैन सेबेस्टियन में वो किसके साथ थी, कौन के साथ थी. अब आगे है बिल एंड जैक मिट कौन, बिल और जैक है कौन से मिलते हैं इन फ्रांस, फ्रांस में. एंड देन ऑल ट्रेवल टू पैम्पलोना, और सभी मिलके फिर पैम्पलोना के लिए जाते हैं. ब्रेड फॉल इल वाइल ट्रेवलिंग टू पैम्पलोना, अब ब्रेड थोड़ी बीमार पड़ जाती है जब वो पैम्पलोना जाती है विथ माइक के साथ. कौन डिसाइडेड टू स्टे इन पैम्पलोना, कौन डिसाइड करता है कि पैम्पलोना में ही रहेगा. टू वेट हर, उसका वेट करेगा ब्रेड का. वाइल जैक एंड बिल हेड आउट, जबकि जैक और बिल कहाँ चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं हम. इनटू रूरल स्पेन, रूरल यानी एक ग्रामीण एरिया जो होता है ना, वहां चले जाते हैं स्पेन का. टू फिश करने के लिए, फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए. जैक एंड बिल फिशिंग करते हैं, प्लेज कार्ड्स खेलते हैं, ड्रिंक करते हैं. एंड रिमेंबर देयर डेज एंड फ्रेंड्स फॉर आर्मी, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, आर्मी वाले दिनों को जब वो लोग वर्ल्ड वॉर में थे. बट लेकिन ऑन द 5th day, 5वां दिन, दे लर्न दैट, उन लोगों को पता चलता है कि ब्रेड एंड माइक विल बी अराइविंग, कि वो दोनों भी पहुंच रहे हैं. एंड दे इमीडिएटली हेड बैक, वो लोग मतलब इमीडिएटली तुरंत जाते हैं पीछे. इन पैम्पलोना में दे मीट ए मैन नेम्ड मोन्टोया नाम के एक इंसान से मिलते हैं. ए मैन हु लव्स बुल फाइट, जो कि बहुत ज्यादा बुल फाइट को पसंद करता था. जैक, बिल, कॉन, माइक एंड ब्रेड ऑल मीट अप, ये सभी यहाँ पे मिले हुए हैं. दे ऑल गो टू वॉच बुल फाइट, ये सभी जाते हैं बुल फाइट देखने. ड्यूरिंग द बुल फाइट के दौरान दे मीट ए 19 years old बुल फाइटर, एक 19 साल के बुल फाइटर से मिलते हैं. नेम पेड्रो रोमेरो नाम के एक बुल फाइटर से मिलते हैं. ब्रेड ऑल्सो वॉन्ट्स टू टॉक पेड्रो, ब्रेड भी पेड्रो से बात करना चाहती है. बट मोन्टायाज डिसमे, लेकिन मोन्टाया मना कर देता है. बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वो सोचता है, सी विल करप्ट द बॉय, इस बॉय को वो करप्ट कर देगी. लेटर दैट नाइट, बाद में उसी रात, ब्रेड एंड पेड्रो स्पेंड द नाइट टुगेदर, ब्रेड और पेड्रो जो है दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं. जैक देन मीट्स अप विथ माइक एंड बिल, उसके बाद जैक माइक और बिल से मिलता है. हु आर बोथ एक्सट्रीमली ड्रंक, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रखे हैं. कौन सून अराइव्स, कौन भी वहाँ जल्दी ही पहुँचता है. डिमांडिंग टू नो वेयर ब्रेड इज, और जानना चाहता है कि ब्रेड कहाँ है. दे रिफ्यूजेस टू टेल, वे लोग बताने से मना कर देते हैं. कौन अटैक माइक एंड जैक, और माइक और जैक पे ये जो कौन है ना, अटैक कर देता है, मतलब थोड़ा लड़ाई करने लगता है. आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, कौन बेक्स जैक्स फॉरगिवनेस, उसके बाद जैक से माफी भी मांगने लगता है. एंड सेज ही इज लिविंग पैम्पलोना, और बोलता है कि अब वो पैम्पलोना छोड़ के जा रहा है. द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन, दे ऑल लिव्स पैम्पलोना टुगेदर, वे लोग सब अपने अपने जा रहे हैं जगह, मतलब पैम्पलोना को छोड़ के. जैक डिसाइडेड टू वेंट टू सैन सेबेस्टियन, अब जैक डिसाइड करता है कि वो सैन सेबेस्टियन जाएगा. ही रिसीव ए टेलीग्राम फ्रॉम ब्रेड, और इसको तभी क्या होता है ना, एक टेलीग्राम मिलता है ब्रेड की तरफ से. एंड वेंट टू मैड्रिड टू मीट ब्रेड, और ये क्या करता है, कहाँ जाता है, मैड्रिड जाता है ब्रेड से मिलने. एंड लर्न्स दैट, वहाँ उसको पता चलता है कि ब्रेड लेफ्ट पेड्रो, कि ब्रेड जो है वो पेड्रो को छोड़ चुकी है. जेक्स बुक्स टिकट फॉर देम टू लिव मैरियट, वो लोग मतलब जैक क्या कर रहे हैं ना अभी, जेक मतलब टिकट बुक करता है कि वो लोग मैरियट को छोड़ेंगे. दे राइड इन ए टैक्सी, वो लोग एक टैक्सी में सवार होते हैं. इट सैडली कमेंट्स, ब्रेड यहाँ पे उदास होकर कमेंट करती है. दैट सी एंड जैक कुड हैड सच ए गुड टाइम टुगेदर, कि वह और जैक यहाँ पे कुछ टाइम टुगेदर एक साथ अच्छा बिता सकते थे. जैक सेज, और जैक कहता है, यस इजंट इट प्रिटी टू थिंक सो. तो यहाँ पे जो ये लाइन जैक यूज करता है, उसके बाद ये नॉवेल खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम इस नॉवेल के कंक्लूजन के बारे में पढ़ते हैं. दस इस प्रकार द सन ऑल्सो राइजेज, जो सन ऑल्सो राइजेज नॉवेल है, इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल ऑफ हेमिंगवे. हेमिंगवे का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल माना जाता है. हेमिंगवेज लिटरेरी करियर, हेमिंगवे के लिटरेरी साहित्यिक करियर का. बींग ए वॉर हीरो होने के नाते ही इंपेसाइजेज ऑन द मोरल वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, के नैतिक मतलब जो वैल्यूज होते हैं ना उनके बारे में लिखे हुए हैं थ्रू हिज कैरेक्टर्स के द्वारा ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल के कैरेक्टर के द्वारा ही डिस्क्राइब्स, वह व्याख्या करता है हाउ आफ्टर द डिस्टर्बिंग वॉर, कि कैसे वॉर के बाद जो डिस्टर्ब करने वाला जो वॉर होता है, युद्ध होता है, वर्ल्ड वॉर, अब्सेंस ऑफ गुड वैल्यूज इन लाइफ, उसके बाद क्या होता है लाइफ में गुड वैल्यूज की कमी हो जाती है, क्रिएटेड वॉग्यूनेस, वो क्या क्रिएटेड करता है और स्पष्टता क्रिएट करता है, इम्बिटनेस इन लाइफ, और लाइफ में खालीपन लाता है, जो युद्ध होता है वो यही सब क्रिएट करता है। तो ये सारे मतलब कैरेक्टर के थ्रू यही बताना चाहते हैं पोएट, मतलब चाहे वो ब्रेड का कैरेक्टर हो या फिर उनका जो फ्रेंड था कॉन, उनका रॉबर्ट कॉन उसका कैरेक्टर हो या फिर दूसरे जो आमने फ्रेंड से मिले, तो सबके थ्रू ये बताते हैं कैसे लाइफ में खालीपन आ जाता है और खुद के लाइफ के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है खत्म होता है, वीडियो के थ्रू आपका हेल्प होता है आपकी सिलेबस का है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।